दिनों से मेरा बेटा लगातार बीमार चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और ना ही मैं एक्टिव रह पा रही हूँ यूट्यूब में, फेसबुक वगैरह में। जुलाई से वो लगातार बीमार चल रहा है और अब डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। उसके डॉक्टर को डाउट था, उसको विटामिन डी डिफिशेंसी है, विटामिन B12 डिफिशेंसी है, लेकिन सब कुछ उसका नॉर्मल आया है। ऐसा इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रिएटिनिन के अलावा, उसको क्रिएटिनिन थोड़ा सा डाउन है और उसको लगातार वो इतना बीमार, सीरियस बीमार चल रहा है वो, उसको एडमिट कराना पड़ रहा है और उसकी वजह से मेरे काम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे एक जुलाई महीने में ऑडिटोरियम का काम मिला था, जिसके बाद से वो लगातार बीमार चल रहा है। और ऐसी यूनिक बीमारियाँ मेरे घर में बहुत होती हैं, तो विदाउट एनी रीज़न मेरे घर में सब बीमार होते रहते हैं, कभी मैं, कभी मेरे हस्बैंड, कभी मेरा बेटा। और समझ में नहीं आता ये बीमारी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, जबकि मेरे हस्बैंड बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। मैं अपने बेटे के लिए पूरे दिल जान से मैं उसके केयर करती हूँ। सो इतना होने के बाद तो आने का सवाल पैदा नहीं होता था, लेकिन फिर भी बीमारियाँ आती रहती हैं। और मेरा बेटा टेस्ट में कुछ नहीं आता, डॉक्टर कुछ नहीं डायग्नोस कर पाते उसका, लेकिन वो बीमार रहता है। अभी उसके लिप्स से ब्लीडिंग आ रही थी, लिप्स बार बार कट जा रहा था अपने आप। मैंने उसको एक कड़ा पहना के रखा था तांबे का, वो भी मैंने उतार दिया कि पता नहीं इसकी वजह से कट रहा हो, लेकिन उसके लिप्स से ब्लीडिंग आती रही कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद यूरिन में भी ब्लड के थोड़े से छींटे आई हैं, सो पर कुछ भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं निकली है जितना मैंने कल टेस्ट रिपोर्ट पढ़ा है। अब डॉक्टर से मिलने के बाद पता लगेगा क्या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस है। पहले भी उसको वीट का एलर्जी का टेस्ट कराया जाता था, हर साल कराया जाता था, लेकिन वो तो सिर्फ मिल्क पे था, वो वीट लेता ही नहीं था, फिर भी हर साल डॉक्टर लिख देते थे, हमें कराना पड़ता था। सो कुछ भी नहीं निकलता था उसका, जब वीट लेता ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। फिर डॉक्टर को ये लगता था कि वीट की वजह से उसको हो रहा है, लेकिन वो वीट लेता ही नहीं था। सो पता नहीं कैसी प्रॉब्लम है, मुझे कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है मेरे साथ, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। सो इसी वजह से मैं आजकल थोड़ी कम एक्टिव हूँ वीडियोस बनाने में। मेरे मतलब मैं डेली, मेरे पास कंटेंट रहता है, मेरे पास मटेरियल है कि मैं इतना वीडियो बना सकती हूँ डेली, लेकिन इंटरव्यू के बेस पे, कुकिंग के बेस पे, फेस केयर के बेस पे, सब पे मैं बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं निकल पाता कि मैं अपने लिए 5 मिनट निकाल पाऊँ। सो इसलिए मैं आजकल बहुत कम वीडियो बना पा रही हूँ और बहुत कम एक्टिव रह पा रही हूँ।